रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कर्नाटक में तीन दिन में दो हत्याएं, युवक को बेरहमी से पीटा फिर चाकू घोंपा। तीन दिन पहले बीजेपी नेता को कुल्हाड़ी से काटा था। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से गुजरात जा रहा था प्लेन, तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटा। गायब हुई पत्नी खोजने में 1 करोड़ खर्च। शादी की सालगिरह पर विशाखापट्टनम गया था कपल, वहां से प्रेमी के साथ गई महिला। धनबाद जज हत्याकांड में ऑटो चालक दोषी, पहली पुण्यतिथि पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया जजमेंट, 6 अगस्त को तय होगी सजा। असम पुलिस ने 2 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। अलकायदा और बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े 11 लोग हिरासत में लिए गए। लाश को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह घसीटा। बेगूसराय में पुलिस ने सफाई कर्मचारियों से खिंचवाया शव, स्ट्रेचर पर भी अमानवीयता। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले, हमें सांस लेने दो। केस में देरी की खबर पर जस्टिस चंद्रचूड़ खफा, कहा कोरोना हो गया था इसलिए नहीं की सुनवाई। कोरोना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में मिले 20,409 नए मामले। राज्यों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रेस्क्यू के लिए सेना उतरी। हिमाचल के बाद हिमाचल में बादल फटे, जम्मू में स्कूल पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। गौकशी के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज में तनाव, 45 हिरासत। राजस्थान के बाड़मेर में मिग क्रैश, दोनों पायलट शहीद। आधा किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा, एरिया सील, 100 से ज्यादा अधिकारी मौके पर। राष्ट्रपति विवाद पर महिला आयोग ने अधिरंजन को किया समन जारी, सोनिया गांधी से कार्रवाई करने को कहा। मच्छरदानी लगाकर संसद भवन में सोए सांसद, निलंबन के खिलाफ 2 दिन से कर रहे प्रदर्शन। पीएम मोदी, पूरा जल्द करें एक और वादा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज। अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर ईडी का छापा, ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी की जिम्मेदारियां भी छीनी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस और 20 पीसीएस अफसरों के तबादले। वाराणसी, उन्नाव, कुशीनगर समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए। साल से गायब बेटा तलाश रहे लाचार माँ बाप, मुजफ्फरनगर में कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगा कर रहे दिन रात, याद में सूख गया। बांदा में बहन से नाराज भाई ने लगाई फांसी, परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। शामली में की जा रही थी भ्रूण लिंग जांच, स्वास्थ्य विभाग अंबाला की टीम ने दलाल समेत 2 को दबोचा, आरोपी डॉक्टर फरार। बी
बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू, मिशन 2024 की तैयारी पर होगा मंथन, जेपी नड्डा सीएम योगी होंगे शामिल। फिरोजाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, 17 साल पुराने मामले में भाजपा नेताओं समेत 57 दोषियों। रायबरेली में बीजेपी नेत्री की गाड़ी पर हमला, 2017 में सदर से लड़ा था विधानसभा चुनाव, बोली प्रशासन मेरी हत्या करवाना चाहता है। फतेहपुर में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, 2 महीने पहले हुई थी शादी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को श्रद्धांजलि, श्रीनगर में हुई मौत, रसूलाबाद घाट पर बेटे को दी मुखाग्नि। चालीस साल की डकैती डालने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, कोरियर कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने की थी रेकी, बदमाशों से 8 लाख रुपए भी बरामद। उन्नाव के 261 अमृत सरोवरों पर तिरंगा लहराया जाएगा, पहले इनकी संख्या 100 थी, 11 अगस्त तक झंडा लहराएंगे, निर्देश। बिजनौर में पिकअप ने कार में मारी टक्कर, महिला की मौत, पति की हालत नाजुक, हसनापुर से जसपुर जा रहे थे। रामपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही शुरू, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों से प्रशासन ने हटाया कब्जा। देवरिया में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पहुंची किताबें, उच्च प्राथमिक में गणित छोड़ सिर्फ 3 किताबें मिली। भदोही में गंगा के जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी, 24 बाढ़ चौकियों को किया गया सतर्क, प्रशासन तटीय इलाकों की कर रहा निगरानी। गाजीपुर में बिना मान्यता वाले स्कूलों पर लटकी तलवार, बेसिक शिक्षा विभाग ने बंद करवाए 25 अमान्य विद्यालय, 104 स्कूलों पर नजर। चित्रकूट में सगे भाइयों समेत 3 की मौत, बेकाबू जंपर ने NH-35 हाईवे पर रौंदा बाइक से, निमंत्रण में जा रहे थे। मेरठ में शादी के मंडप पर छापा, सामूहिक निकाह में 6 नाबालिग बेटियां, बालिका वधू बनने से बची, 5 बालिग लड़कियों का निकाह करवाया। एक साल की मासूम को बेरहमी से पीटा, हापुड़ में मां ने बच्ची को जमीन पर पटका, फिर हाथ पकड़कर खेत में फेंका। आगरा में बदमाशों ने एड्रेस नहीं बताने पर मारी गोली, पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर हुई वारदात, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में कचली मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीएम ने व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी, रक्षाबंधन के 1 दिन बाद होगा शुरू। में पत्नी की गर्दन काटकर पति ने की हत्या, दहेज में 10 लाख की कर रहा था डिमांड, पति और ससुर दोनों फरार। यूपी में अब टीचर लेंगे टीबी रोगियों को गोद, प्रतापगढ़ डीएम ने दिया आदेश, इलाज पूरा होने तक करनी होगी देखभाल। जालौन में टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा, झूठा लंच बॉक्स धोने से किया था मना, शरीर और कान पर आई गहरी चोट, प्रबंधक ने कराया समझौता। मंदबुद्धि युवक ने अधेड़ को पीट पीट कर मार डाला, ग्रामीणों ने आरोपी की पकड़कर किया जमकर धुनाई, बीआरपी सिपाही ने बचाई जान।
शराब के नशे में सड़क पर लेट गया पुलिसकर्मी, बीच सड़क पर घंटों झाड़ता रहा रॉब, बीआरपी के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। भाजपा नेताओं की प्रॉपर्टी पर चल रहा बाबा का बुलडोजर, भाजपा के पूर्व विधायक ब्लॉक प्रमुख समेत कई बड़े भाजपा नेताओं की प्रॉपर्टी जमींदोज। थाने के टॉयलेट में बाबा साहब की प्रतिमा, पुलिस पड़ताल में फोटोशॉप से छेड़छाड़ की पुष्टि, बसपा जिलाध्यक्ष ने की थी शिकायत। राज्य मंत्री पर एनएचएआई कर्मचारियों से मारपीट का आरोप, हाथ भाजपा विधायक बोले हमारी सरकार में नहीं चलेगी गुंडे। हरदोई में वृहद वृक्षारोपण अभियान चढ़ रहा लापरवाही की भेंट, प्रशासन के दावे हवा हवाई, रोपित किए जाने के बजाय विद्यालय में रखे रखे सूख रहे पौधे। उत्तराखंड के मसूरी में झमाझम बारिश, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी, गंगोत्री हाईवे समेत 193 सड़कें बंद। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक, पौड़ी में 5 साल के बच्चे को बनाने वाला सुबह जंगल से बुरी हालत में मिला शव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अफवाह तेज, महेंद्र भट्ट की नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलों का जोर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधरोपण, आगंतुकों से किया फूलों के बजाय पौधे लगाने का अनुरोध। अधीरंजन के विवादित बयान पर बवाल, कांग्रेस पर बरसे धामी, अधीरंजन का बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड में 334 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की मौत, 1359 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, भद्रकाली से खारा स्रोत जा रही यूपी के यात्रियों से भरी बस पलटी, कई लोग घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश से दहशत, जुग्गू गांव में चट्टान से हुआ भूस्खलन, ग्रामीणों ने घर छोड़कर घंटों गुफा में बिताई रात। हरिद्वार में गर्भवती महिला ने बच्चे को सड़क पर दिया जन्म, फोन करने के 1 घंटे बाद आई एम्बुलेंस। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। मॉल रोड के ट्रीटमेंट की कवायद शुरू, 6 अगस्त को निकलेगा टेंडर। हल्द्वानी में बेखौफ आईटीआई गैंग ने युवक को घोपा चाकू, 4 नामजद समेत 30 पर मुकदमा। उत्तराखंड के सेब को पहचान दिलाने की चुनौती, 1 साल बाद भी हिमाचल एप्पल के नाम से बाजार में बिक रहा उत्तराखंड का सेब। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को रौंदा, गोली चलाने के आरोप में पहले ही किया जा चुका है सस्पेंड। भाजपाइयों ने फूंका कांग्रेस नेता अधीरंजन का पुतला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश। पाकिस्तान में बाढ़, 1 महीने में 300 मौतें, सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में, 111 लोगों की जान गई, 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी।
ऋषि सुनक का धोबी पछाड़ता, प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता से किया टैक्स में छूट देने का वादा। रूस ने फिर की पर्दागी मिसाइलें, हफ्तों बाद काला सागर से बरसी आग, एक बिल्डिंग हुई तबाह। शहर की तरफ बढ़ी, 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई कई क्षेत्रों का तापमान। भारी बारिश से रुक गई यूएई की रफ्तार, सरकार ने जारी किया अलर्ट, वर्क फ्रॉम होम का दिया निर्देश। आग से खेल रहा अमेरिका, शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर जो बाइडेन को दी खुली चेतावनी, बाइडेन की वार्निंग के बावजूद हमला कर सकता है ड्रैगन। किम जोंग की यूएस साउथ कोरिया को धमकी, तानाशाह बोला जंग हुई तो अमेरिका पर एटमी हमला करेंगे, जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करेगा नॉर्थ कोरिया। यूरोप और अमेरिका में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केस, डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले गलत सूचनाएं वायरस जैसी खतरनाक। एशिया की सबसे अमीर महिला ने चाइना में गवाई अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति, प्रॉपर्टी संकट में खोए $12 बिलियन। जरदारी आईएसआई चीफ की दुबई में खुफिया मुलाकात, पाकिस्तान में जल्द हो सकते हैं चुनाव, इमरान बोले अब फौज फौरन दखल दे। फेस्टिवल सीजन में सराफा बाजार में तेजी की उम्मीद, भारत में अप्रैल से जून के बीच सोने की डिमांड 43% और ज्वेलरी की डिमांड 49% बढ़ गई। सोशल मीडिया से बच्चे तक सुरक्षित नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे अश्लील हानिकारक कंटेंट की निगरानी। अगले साल हो सकते हैं सस्ते लोन, अर्थव्यवस्था संभालने के भरोसे इक्विटी और क्रूड जैसे रिस्की एक्सेंट में बढ़ रहा निवेश। बंद नहीं होगी ऑल्टो जैसी छोटी कारें, मारुति की इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए 3 साल इंतजार करना होगा, अभी हाइब्रिड कारें उतारेगी। एक अगस्त से होंगे 4 बड़े बदलाव, आईटीआर फाइल करने के लिए देनी होगी लेट फीस, बैंक ऑफ बड़ौदा लागू कर रहा पॉजिटिव पे सिस्टम। हीरो एक्सट्रीम 160R नया एडिशन, नई डिजाइन वाली सीट से दमदार लुक मिलेगा, सेफ्टी के लिए ABS मौजूद, कीमत 1.17 लाख से शुरू। हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरे क्वार्टर में कमजोरी, मंदी की आशंका बढ़ी। सीबीआई ने कहा बिल्डर अविनाश भोसले ने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए DHFL के 300 करोड़ रुपए लगाए। शिबाइनू होल्डर्स के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म shopping.ino पर आया खास ऑफर, 2 दिन दिया जाएगा खास डिस्काउंट और शॉपिंग भी फ्री होगी। बिटकॉइन की कीमतों में 10% का उछाल, ईथर भी तेज जाने, क्रिप्टोकरेंसी का हाल। वॉशिंगटन सुंदर की चमत्कारी, केंद्र बल्लेबाज को नहीं हुआ यकीन, बस इधर उधर देखता रहा। राउच का काउंटी में कहर, हवा में लहराई गेंद, बल्लेबाज के उड़े होश।
मोइन अली टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश क्रिकेटर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास। लाइव शो के दौरान पाक क्रिकेटर में बहस, शाहिद बोले, मैं हमेशा चाहता था कि आप रन स्कोर करो। डीएनएल लीग में दर्शकों ने मुरली विजय को दिनेश कार्तिक के नाम से चढ़ाया, हाथापाई तक पहुंच गया मामला। भारत वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच आज, सीरीज में पाकिस्तान इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ने उतरेगी टीम इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी, 72 देशों के एथलीट ने लिया हिस्सा, भारतीयों की एंट्री से ऊंचा स्टेडियम, सिंधु मनप्रीत बने ध्वजवाहक। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रनों से रौंदा, प्रभात जयसूर्या ने झटके 5 विकेट, बाबर आजम की कप्तानी पारी में नहीं आई काम, सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज जीतने के बाद इंडिया का सेलिब्रेशन, धवन ने टीम से पूछा हम कौन है, सभी प्लेयर चिल्लाकर बोले चैंपियन। मछली के चाल पान फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस, राहुल गांधी बोले अद्भुत प्रतिभा है, गहलोत जी बच्चे की मदद कीजिए। रणवीर के फोटोशूट पर DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का रिएक्शन, बोली महिलाओं के न्यूड फोटोज पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। शहजादा के शेड्यूल का हुआ रैपअप, साथ हुई कृति सैनन का बर्थडे और रैपअप पार्टी, कार्तिक आर्यन के साथ डांस करती नजर आई एक्ट्रेस। न्यूड फोटोशूट पर मिलिंद सोमान बोले अगर रणवीर सिंह ने कुछ गलत किया है तो कानून को कार्रवाई कर दे दो। खिलाड़ी कुमार का मजेदार बयान, अक्षय कुमार बोले कोई भी फिल्म इवेंट और एड हो मैं पैसों के लिए कभी मना नहीं करता। कैनेडियन रैपर ड्रैक ने मूसेवाला को याद किया, टोरंटो के लाइव शो में पंजाबी सिंगर की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। मलाइका अरोड़ा का वायरल वीडियो, मलाइका ने अपने योग से किया सबको हैरान, फुल बॉडी स्ट्रेच करके दिखी एक्ट्रेस। अदनान सामी का नया गाना अलविदा रिलीज, सिंगर बोले अलविदा मेरे नए वर्जन अदनान 2.0 का वेलकम करने का मेरा तरीका है। शाहरुख तापसी का लुक, बदले हुए अवतार में नजर आए एक्टर्स, लंदन में चल रही है फिल्म की शूटिंग। शमशेरा फ्लॉप होने पर संजय दत्त का रिएक्शन, एक्टर बोले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सारा का वायरल वीडियो, इंडियन लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, फैंस ने कहा क्या खूब लगती है। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।